एक 27 वर्षीय महिला सरकारी अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची को टीका लगवाने गई थी, उसका नंबर आ ही रहा था कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि कल्पना तुम कैसी हो। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है महिला को। वो पीछे मुड़कर देखती है, नज़दीक जाती है तो दाढ़ी और बाल बढ़े हुए, शरीर कमज़ोर हुए, खांसी आ रही थी एक आदमी के, और नज़दीक जाके देखती है तो उस आवाक रह जाती है, क्योंकि उसका पति था जो 4 साल पूर्व उसको छोड़ चुका था। कल्पना को उसने छोड़ दिया था, अपने मायके में रह के कल्पना गुजारा कर रही थी। वो नज़दीक जाके कहती है, अरे ये क्या हालत आपने बना रखा है। तो कहता है कल्पना, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी करनी को पहुंच चुका हूं। जो मैंने तुम्हें कष्ट दिए, जो मैंने तकलीफ़ दी, ईश्वर ने हमको सजा दे दी है। बस एक इच्छा मेरी थी कि मरने के पहले एक बार मैं तुम्हें देख लेता और अपनी गलती को माफ़ी मांग लेता, जिससे कि हमारे अपने कर्मों का प्रायश्चित मैं कर पाता। मुझे माफ़ कर दो, यही कह के वो रोने लगता है। बस गरिमा कल्पना उसका हाथ पकड़ती है तो वो हाथ झिटक देता है। कल्पना कहती है, अरे ये क्यों क्यों झिटक रहे हो हाथ, कहीं मुझे ऐसी बीमारी है कल्पना, मुझे टीबी है, हमको छुओ मत, नहीं तुमको भी हो जाएगी। बहुत परेशान हो जाती है कल्पना। वो कहती है, इसकी चिंता न करो। उसका हाथ जब पकड़ती है और उसको ले जाकर एक बेंच पर बैठाती है, वो दहाड़ मार के वो आदमी रोता ही जा रहा था, कल्पना की भी आंसू आने लगे। उसने कहा कि आखिर तुम्हारी बीबी कहाँ गई, जो खूबसूरत, जिसके कारण तुमने हमें छोड़ दिया था, मैं मायके में रह के गुजारा कर रही हूँ। वो कहता है कि वो भी साथ छोड़ दिया हमारा उसने, वो हमको साथ छोड़ दिया उसने मेरा। आज मेरी हालत आप देख रही हो, हमको हमारी ज़िंदगी को कुत्ते की उसने बना दिया। आज जो मेरा जीवन बना है उसी के कारण बना है। आज मैं अपने पापों को भोग रहा हूँ कल्पना, मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ माफ़ कर दो। भीड़ लग जाती है वहाँ पर, कुछ लोग जा समझते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा इसलिए रो रहा है। सब लोग ढाढ़स बनवाते हैं कि बहन चिंता न करो, सब ऊपर वालों पर विश्वास करो। वहाँ का नज़ारा ऐसा दृश्य था कि जिसको देखकर जो भी यहाँ पर देखता है वही विह्वल हो जाता था। मित्रों, अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बस वही एक अपील कि कुछ पल हमें दें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मित्रों, मैं अब मूल कहानी पर आता हूँ। योगेंद्र और कल्पना की 2012 में शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, कल्पना योगेंद्र को बहुत प्यार करती थी। लेकिन योगेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, 35-40 हज़ार रुपये सैलरी थी, वहीं के एक स्टाफ से वो प्यार कर बैठता है। चूँकि होता नहीं कि जिसकी आदत खराब होती है वो संतुष्ट नहीं होता है। कल्पना जैसी अच्छी लड़की से उसका मन भर गया, उसके बाद वो दूसरे के चक्कर पड़ जाता है। गरिमा नाम की एक लड़की थी, उसी स्टाफ में काम करती थी, उससे को दिल दे बैठता है और कल्पना से आके कहता है कि कल्पना हमको एक जहर की शीशी दे दो, मैं मर जाऊँगा, जहर दे दो, मैं मर जाऊँगा, मैं गरिमा के बगैर नहीं जीऊँगा, तुम हमको छोड़ दो, तुम चली जाओ हमको छोड़ को। कल्पना कहती, ये कैसे हो सकता है, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैंने भी आपको बहुत प्यार किया है, अब आपकी पत्नी हूँ मैं, आप दूसरे के चक्कर पड़े हैं, कल को आप पछताएंगे। योगेंद्र कहता, चाहे जो हो जाए, चाहे जो मेरे ऊपर बीते, लेकिन मैं बगैर गरिमा के नहीं रह सकता हूँ, या तो मुझे जहर दे दो तुम। क्या करती कल्पना, मरती नहीं तो और क्या करती, उसके सामने कोई चारा नज़र नहीं आया। और योगेंद्र कहता है कि तुम हमको छोड़ दो, हमसे तलाक ले लो। तो कल्पना कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊंगी, मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता हूँ, तुम्हारे नाम का सिंदूर मैं ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में लौट के मैं नहीं आऊँगी। तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो शादी करो, मैं तलाक नहीं दूँगी। एक बार शादी हो गई सो सात बंधन निभाने का, सात जन्मों का साथ था मेरा आपका निभाने का, मैंने कसम खाया है, जो चाहो तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जा रही हूँ। योगेंद्र कहता है, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें 10 हज़ार रुपये मैं महीना गुजारे के लिए दूंगा। वो कहती है, कल्पना ये तुम्हारी इच्छा, यही कह के कल्पना चली जाती है। योगेंद्र उसको रोकता नहीं, कल्पना अपने
माँ के घर चली जाती है, जो कि दिल्ली में ही विकास नगर में उसकी माँ रहती थी। योगेंद्र रुकता नहीं, क्योंकि योगेंद्र के सर पर तो प्यार का बहुत सवार था। वो गरिमा को लेकर चला आता है, शादी की क्या ज़रूरत, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है लिविंग रिलेशनशिप, कोई शादी नहीं, चूँकि गरिमा कल्पना से योगेंद्र का कोई तलाक नहीं हुआ था, बस कल्पना उसकी ज़िंदगी से चली गई थी, वो गरिमा के साथ रहने लगता है। गरिमा ऐसा कैप्चर कर लेती है योगेंद्र को कि योगेंद्र की पूरी सैलरी को अपने हाथ में ले लेती है। योगेंद्र की एक नहीं चलती है, जो 10,000 रुपये महीने देने के उसने वादा किया था वो भी काफूर हो जाता है, क्योंकि गरिमा ने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया योगेंद्र से। कुछ दिन तक रहती है और उसकी चाल चलन इतनी ख़राब थी, वो बात बात पर योगेंद्र की इज्जत नहीं करती थी। और जो योगेंद्र की माँ थी वो अपनी पहली बहू को तो बहुत मानती थी, लेकिन क्या करे, योगेंद्र के सामने चली नहीं। गरिमा बदतमीजी पूर्ण व्यवहार अपनी सासू से भी करती है, उससे हरकतें ऐसी रहती थी, वो कुछ दिन परेशान थी, बूढ़ी हो गई थी बेचारी, वो मर जाती है। पिता तो पहले से ही नहीं था योगेंद्र के, तो फिर क्या करे, माँ का साया तो उसके हाथ से छूट ही गया, उसके सर से माँ का साया तो उठ ही गया। इधर गरिमा ने कहा कि काम करो, इस मकान को बेच दो, एक नया कोई फ्लैट लेते हैं दिल्ली में। तो कहता है इस मकान में क्या गलती है, तो कही तुम मकान को बेच दो, वहाँ पर एक नया फ्लैट नए डिजाइन का लेते हैं, मकान थोड़ा ओल्ड मॉडल है। क्या करता है, चूँकि कैप्चर उसके ग्रिप में आ चुका था योगेंद्र, 1.5 करोड़ रुपए में वो मकान योगेंद्र बेच देता है। उसके बाद नए फ्लैट लेने की बात आती है, तो गरिमा कहती है कि फ्लैट मेरे नाम ले दो, तो योगेंद्र कहता है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने नाम जब फ्लैट लूँगा तो मेरे पुरखों का मकान बिका है, कम से कम उनकी आत्मा को शांति होगी कि कोई हमारा बच्चा के नाम ही मकान है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिद कर लेती है कल्पना, अरे गरिमा, तो फिर करता क्या है, योगेंद्र कहता है कि जो मकान बिना बिका है उसका कुछ हिस्सा कैश में तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन जो फ्लैट लूँगा वह अपने नाम में लूँगा। बात बन जाती है, 50 लाख रुपए योगेंद्र गरिमा को दे देता है और एक फ्लैट ले लेता है, दोनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन इतना तनाव गरिमा ने पैदा कर दिया था योगेंद्र के ऊपर, इतना कैप्चर कर लिया था कि उसकी सैलरी को भी कंट्रोल उसने कर लिया था। तो सोचता है जब सैलरी के मैं अपने मालिक ही नहीं, तो उसने नौकरी छोड़ दिया, आके रहने लगता है। कुछ दिन बाद दोनों में खटपट बढ़ती है, वो इतना परेशान कर देती है गरिमा योगेंद्र को। कुछ दिन बाद वो शराब पीने लगता है, सिगरेट का भी आदी हो जाता है। उसके बाद उसको बीमारी हो जाती है, और योगेंद्र और गरिमा दोनों डॉक्टर दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि इनको टीबी है, इनको थोड़ा दूरी बना के रखिए। तो गरिमा आती है, सारा खाना पीना उसका अलग कर देती है। योगेंद्र को बहुत तकलीफ होती है, योगेंद्र को सोचा, एक तो बीमार भी हो गया था, परेशान था, नौकरी भी उसके हाथ से चली गई थी, वो करता भी क्या करता, मजबूर हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनको दूर कीजिए, नहीं तो घर भर को टीबी हो जाएगी। गरिमा ने क्या किया कि एक दूर कमरा ले दिया, योगेंद्र को वहाँ पे कर दिया, और न कोई देखभाल न कुछ पैसा, चूँकि इसके पास पैसा भी नहीं, थोड़ा बहुत पैसा बचा था, योगेंद्र को अपने घर से भी हाथ धोना पड़ा। दूर कमरा लेकर गरिमा ने उसको कर दिया था, न समय से दवा खिलाना, न पानी देना, न कोई परवाह करना। योगेंद्र अकेला उस कमरे पे घुट घुटन की ज़िंदगी जी रहा था। करे तो क्या करे, अपना मकान भी छूटा, अपना नौकरी भी छूटी, अपनी ये खूबसूरत जो पतिव्रता बीवी थी वो भी छूट गई। अब क्या करता, ये परेशान था, अब इसके पास पैसा भी कम हो गया, ये चला गया सफदरगंज अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज अपना कराने लगा। तो वहाँ पर गया था अस्पताल में, बैठा था, इतने में टकरा जाती इसकी पहली पत्नी कल्पना। कल्पना उसको हालत को देखती है, कल्पना रोने लगती है, खुद रोने लगता है। उसके बाद कल्पना कहती है कि अब करनी को तुम पहुँच गए। कहता है कि ये बच्ची तुम्हारे साथ में कौन, एक छोटी बच्ची को साथ लेकर गई थी जिसको टीका लगवाने। तो कल्पना कहती है कि जब तुमने मेरा साथ छोड़ा, मैं प्रेग्नेंट थी, इसी अस्पताल में 15 दिनों तक भर्ती थी, कोई मेरे साथ नहीं था,
तुम हम इंतज़ार करते रहे, कभी तो तुम आओगे, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तुम्हारी बेटी यही पैदा हुई अस्पताल में, 15 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरी जीने की कोई जीने की इच्छा मेरी मर गई थी। ये धन्य हो मेरी माँ का, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। ये तुम्हारी ही बच्ची है जो कि वहाँ के आने के बाद पैदा हुई। क्या करता योगेंद्र, दौड़ के अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसके बाल को सहलाने लगता है। लेकिन किस करने ही वाला था तो उसको याद आ जाता है कि हम टीबी के पेशेंट हैं, हमारी बच्ची को भी रोग हो जाएगा। वो तुरंत बच्ची को अपने हाथ से अलग कर देता है और कहता है, कितना अभागा हूँ मैं, कितना अभागा हूँ मैं, अपनी बच्ची को एक किस भी नहीं कर सकता, ईश्वर ने हमको ऐसा दंड दिया है। गरिमा कह कल्पना कहती है कि रोइए मत। इतने में कहता, अपना पर्चा दीजिए, तुम्हारा नंबर आ गया हो। जाती है, डॉक्टर को दिखाती है योगेंद्र को लेकर। डॉक्टर कहते हैं कि दवा में बड़ी लापरवाही कर रहे हो, तो समय समय पे नहीं दिखाते हो, टीबी है, अगर प्रॉपर इसका कोर्स करो तो ठीक भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें बराबर दवा की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। गरिमा कल्पना जाती है, दवा लेती है, सब चीज़ एक एक चीज़ लिखती है, कब तुम्हें दवाई खाना है, दवा लेती है। दोनों लोग बाहर आते हैं। उसके बाद करे तो क्या करे, कल्पना अपनी माँ के साथ रहती थी, योगेंद्र अपने घर पे रहता था। योगेंद्र सोच रहा था, कल्पना एक बार कहती तुम मेरे साथ चलो, और कल्पना की भी इच्छा थी, लेकिन मामला ये फंस गया था, अपने माँ के यहाँ रह रही थी, कैसे करे। योगेंद्र से कहती, तुम जाओ अपने कमरे पे, हमें अपना मोबाइल नंबर दे दो। दोनों का मोबाइल आदान प्रदान हो जाता है। योगेंद्र अपने कमरे पे जाता है, वहाँ से फ़ोन करता है कल्पना को कि मैं कमरे पे पहुँच गया। कल्पना जाती है, अपनी माँ से सारी बात बताती है कि मम्मी आज वो मिले थे, बहुत परेशान हैं, लेकिन उनको ऐसा रोग है कि मैं यहाँ ला नहीं सकती, और मायके में मैं कैसे लेके रह भी सकती हूँ, और बहुत परेशान थे, आज सब ने उनका साथ छोड़ दिया। जिस लड़की को से उन्होंने शादी किया था, जिस लड़की के साथ रहते थे, वो भी आज उनका साथ छोड़ चुकी है, बहुत परेशान है। माँ भी द्रवित हो जाती है। माँ कहती है कल्पना की कि बेटा तुम एक अलग कमरा ले लो और वहीं पे उनको रखो और सेवा करो, तुम्हारे पति हैं, पतिव्रता धर्म का पालन करो। तो कल्पना कहती मैं भी यही चाहती थी। माँ बेटी जाती हैं विकास नगर में, कोने पे एक कमरा लेती हैं, कमरा लेती हैं। फिर योगेंद्र को फ़ोन करती है कल्पना कि तुम, ये पता है, इस कमरे पर आ जाओ। योगेंद्र के खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि योगेंद्र का ईगो अब नहीं रह गया, तो उसके पास ईगो भी किस बात करता, ना उसके पास नौकरी थी, ना उसके पैसा था, गंभीर बीमारी ने उसको जकड़ लिया था, पुरानी बीवी ने उसको याद किया है, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात। उस मौके पर पहुंच जाता है, दोनों लोग कमरे में रहने लगते हैं और अपनी माँ को छोड़ देती है अपनी माँ के पास, क्योंकि उसको डर था कि कहीं टीबी की बीमारी है, कहीं बेटी को ना हो जाए। सेवा करना शुरू कर देती है कल्पना। ये भी नहीं डरती है कि हमारा पति ऐसे रोग से ग्रसित है कि एक दिन ये रोग हमको भी हो सकता है। वो सेवा करती, समय से दवा, समय से उसको दवा खिलाना, समय से उसका ध्यान रखना, उसका नहलाना धुलाना, लेकिन ईश्वर की कृपा, नारी में वो शक्ति होती है, कुछ नहीं हुआ कल्पना को, और धीरे धीरे योगेंद्र में सुधार होने लगा। योगेंद्र की हालत में धीरे धीरे सुधार होता जाता है। एक समय आता है, 4 महीने बाद वो ठीक हो जाता है, और वो कल्पना से कहता है, कल्पना मैंने अच्छा किया था कि मकान अपने नाम पे मैंने फ्लैट लिया था, 50 लाख रुपए जो मैंने गरिमा को दे दिया, लेकिन मकान अपने नाम पर लिया था। कल्पना सोचती है तब तो आपका अधिकार है उस मकान में रहने के लिए। कहती क्या करे, गरिमा ने उसको कब्जा कर रखा है, हमारा देखभाल भी नहीं करती, अपने मायके वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ बुला के ही हा हा ठिट्ठी किया करती है, पूरे मकान को कब्जे में अपने कर लिया, ना हमारा ध्यान रखती है, कुछ भी नहीं करती है। तो कहती चलो, हम पुलिस की वो जाती है, पुलिस में शिकायत करती है कि हमारे मकान को एक महिला ने कब्जा कर रखा है। पुलिस साथ में लेती है, पुलिस सपोर्ट करती है, जाते हैं मकान पे, योगेंद्र, कल्पना और कल्पना की माँ, पुलिस साथ में। तो पुलिस को देखकर गरिमा
परेशान हो जाती है, वो बिना कुछ बवाल किए, बिना कुछ नौटंकी किए उस मकान को खाली कर देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जितना हमको लूटना था उतना मैं योगेंद्र से लूट चुकी हूँ, अब कुछ लूटना शेष नहीं बचा है। फिर योगेंद्र कल्पना अपनी बच्ची को रह के उस मकान में रहने लगते हैं। काबिलियत तो थी ही योगेंद्र के पास, योगेंद्र फिर वही नौकरी अपनी पकड़ लेता है, 40,000 रुपये पाने लगता है। कुछ दिन बाद एक बेटा भी होता है। वो दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसी कहानी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एक सामाजिक कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ, प्रेरणा स्रोत कहानियाँ मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँ। ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद आपको।